नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, गुरुवार शाम को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के शमसुल हसन बल्ली भैया ने अल्पसंख्यक कल्याण और गैस राहत मंत्री आरिफ अकील के निवास पर पहुंचकर फर्जी गैस पीड़ित संगठनों की जांच कर उन्हें सजा देने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि भोपाल गैस त्रासदी के बाद कई फर्जी संगठन भोपाल में सक्रिय हैं और अपनी जेबों को भरने का काम कर रहे हैं, जिसकी जांच करवाकर उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। जानकारी देते हुए शमसुल हसन बल्ली भैया ने बताया कि शहर में सतीनाथ सडंगी, रचना डींगरा और रसीदा भी सहित अन्य संगठन गैस पीड़ितों की आड़ में अपनी जेबों को भरने का कार्य कर रहे हैं। दिए गए ज्ञापन में संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सभी संगठनों की संपत्ति की सीआईडी जांच करवाकर उन पर कार्यवाही करने की मांग की है। जी हाँ, गैस राहत मंत्री जी हमारे शहर के, उनको हमने ज्ञापन दिया था कि गैस पीड़ित जो संगठन है, बाहरी संगठन है, ये बाहर से आए हुए संगठन है, ना तो इनको गैस लगी ना गैस पीड़ित कोई वास्ता, सिर्फ अपनी दुकान चला रहा है। पिछले 35 सालों में सिवा अब्दुल जब्बार साहब के किसी ने भोपाल में कोई काम नहीं किया, जिसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। घर परिवार की स्थिति क्या है, आज ये करोड़ों पति बने बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी से हमने बात की और ज्ञापन दिया है, फिलहाल इसकी सीआईडी जांच की जाना चाहिए और जो जहां से आया उसको वापस वहां भेजना। आने वाले 2 दिसंबर फिर आने वाला है, उस दिन आप क्या कुछ बिल्कुल श्रद्धांजलि सभा रखी है, मशाल जुलूस रखा है 2 तारीख को, 3 को हमने सर्वधर्म सभा रखी है इतवारों में, जो अब्दुल जब्बार साहब के जो ख्वाब थे, जो गैस पीड़ितों की लड़ाई थी, उस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे। नहीं, सरकार से फंड नहीं लेते, बल्कि ये फॉरेन से विदेशों चंदा लाते हैं, उसके संबंध में है, निश्चित ही उसकी जांच कराना आवश्यक है। उसके लिए POW को लिखेंगे, उसकी जांच करें। आपने पहले भी बयान दिया था कि इनकी जांच होनी चाहिए, ज्ञापन तो अभी दिया है, बयान मेरा पहले आया था, ज्ञापन के संबंध में पूछ रहा हो या मेरे बयान के संबंध में पूछ रहा हो, तो उन्होंने कहा है तो मैं दिखवाऊंगा, ये मैं जांच मेरे इख्तियार की नहीं है, ये जांच कोई मध्य प्रदेश सरकार की जांच नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार जांच कर ले, या EW की जांच होगी, केंद्र सरकार की मदद से होगी, विदेशों से जो पैसे आते हैं उसके मेरे पास कोई एजेंसी नहीं पकड़ने की जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, जब तक पकड़ नहीं पाऊंगा। मेरी जानकारी मिली। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।